हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं मुनीर और आप सभी का टेक्निकल मुनीर चैनल पे स्वागत है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके काइन मास्टर में लेयर पे क्लिक करने के बाद में मीडिया का ऑप्शन नहीं आता है तो मीडिया का ऑप्शन किस तरह से लाएंगे। देखिए, अगर लेयर पे क्लिक करने के बाद में मीडिया का ऑप्शन आता है तो वहाँ से आप वीडियो भी ले सकते हैं, फ़ोटो भी ले सकते हैं। और अगर आप जब लेयर पे क्लिक करते हैं तो मीडिया का ऑप्शन नहीं आता है, इमेज का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से सिर्फ फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो नहीं ले सकते। जैसा कि देखिए, मैं अभी अपने काइन मास्टर को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैंने अपने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो देखिए, मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है। बैकग्राउंड लेने के बाद में देखिए, मैंने लेयर पे क्लिक कर दिया है। तो लेयर पे क्लिक करने के बाद में देखिए, ऊपर में जो है मीडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यानी मैं यहाँ से किसी वीडियो को नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ फ़ोटो को ले सकता हूँ। तो क्या आपके भी काइन मास्टर में इमेज का ऑप्शन आ रहा है, मीडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा है? तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने काइन मास्टर में लेयर पर क्लिक करने के बाद में मीडिया का ऑप्शन किस तरह से लाएँगे। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। तो दोस्त, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर जो काइन मास्टर है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है? तो देखिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में सर्च टाइपिंग में आपको लिखना है काइन मास्टर digitbin.com, ये लिख के सर्च कर लेनी है, ठीक है? तो देखिए, इस तरह से आपके सामने में पेज खुल के आएगा। तो आप ज़रा सा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड काइन मास्टर, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ज़रा सा आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है काइन मास्टर ओल्डर वर्जन, ठीक है? तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ज़रा सा आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद में देखिए, यहाँ पे काइन मास्टर का ऑप्शन जो है वो आ रहा है यहाँ पे बहुत सारा। तो आपको क्या करना है कि देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है लाल वाला, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए, नीचे आइए। फिर आप देखिए, आपके सामने में बहुत सारा काइन मास्टर यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इनमें से किसी एक को डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, मैं पहले वाले को ही डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए, अब जो है ये वाला काइन मास्टर नीचे में देख सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो देख सकते हैं कि ये वाला काइन मास्टर जो है पूरे तरह से डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको यहीं से डायरेक्ट ओपन कर लेता हूं, ठीक है? अगर आप यहां से ओपन नहीं करेंगे तो आप अपने मोबाइल के फाइल में जाइए, तो डाउनलोड क्या हुआ ये वाला ऐप जो है वहां पे आपको शो कर देगा, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको परेशानी होगी। देखिए, आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में आ जाइए। देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा APK का, ठीक है? तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए, आप इन दोनों को चेक कर लेना इस तरह से। तो देखिए, सबसे ऊपर में काइन मास्टर है, तो मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं आपके सामने में ओपन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि अभी जो है ये ओपन हो रहा है। तो देख सकते हैं कि नीचे में ओपन का ऑप्शन आ गया है। तो अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आप अलाउ पर क्लिक कर दीजिए, अलाउ करते रहिए आप। अलाउ पर क्लिक करने के बाद में देखिए, अब जो है ये वाला काइन मास्टर ओपन हो रहा है। तो आप जो है इस वाले पर एक बार क्लिक कर देंगे। तो देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है, तो ज़रा सा आप वेट कीजिए। तो देख सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह से लाल हो चुका है। तो आप भी ज़रा सा वेट कीजिए, फिर पूरे लाल होने के बाद में आप ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो देखिए, हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मीडिया का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। तो देखिए, मैंने प्लस वाले पर क्लिक कर दिया है। फिर मैं सबसे पहले मीडिया में जाने के बाद में कोई सा एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो देखिए, मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है, ठीक है? अब देखिए, मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, मीडिया का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है? तो देखिए, मैंने लेयर पे क्लिक किया है, तो आपके सामने में देख सकते हैं कि मीडिया का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं फ़ोटो भी ले सकता हूं, वीडियो भी ले सकता हूं। तो इस तरह से जो है आप अपने काइन मास्टर में मीडिया का ऑप्शन ला सकते हैं।
तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।